उनका लक्ष्य अब स्काई है, अपनी नई पहचान बनाई है। मोदी सरकार की नीतियों से युवा का जोश हाई है। भारतीय युवाओं के रगों में इनोवेशन का जोश है, उनके मस्तिष्क में क्रिएटिविटी का करंट है। जिस इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात भारत का युवा करता है, उसको जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलने का काम मोदी सरकार कर रही है। कैन डू स्पिरिट विल डू अप्रोच रखने वाले भारत के युवाओं की प्रतिभा का मोदी सरकार हर संभव उपयोग कर रही है और उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। पीएम मोदी युवाओं को स्वयं के एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। इसीलिए युवा आज जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। मोदी सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं से इन स्टार्टअप्स को पूरा सहयोग कर रही है। इनमें टैक्स में छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के बोझ को कम करना शामिल है। इससे लाभ ये हुआ है कि युवाओं के अंदर जोखिम उठाने की हिम्मत बढ़ी है। 2016 से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 133 गुना वृद्धि हुई है। नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सफल स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। एक देश पूरे विश्व में अपनी शिक्षा और शिक्षा नीतियों के कारण पहचाना जाता है। मोदी सरकार ने विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसरों का सृजन किया है, जिससे देश का युवा सशक्त बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नई और बेहतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा की बाध्यता नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब प्राइमरी और उच्च शिक्षा स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। इंजीनियरिंग और आईटी जैसे टेक्निकल विषय अब 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ इन कोर्सेज में छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ेगा, बल्कि एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ स्थानीय समस्याओं को हल करने की क्षमता छात्र छात्राओं में बढ़ेगी। पीएम मोदी की स्टूडेंट आधारित नीतियों से कई और बड़े बदलाव भी हुए हैं। पिछले 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स थे, पीएम मोदी के नेतृत्व में 15 एम्स और बने। पहले 7 आईआईटी थे, अब 23 हो गए हैं। पहले 13 आईआईएम थे, अब 20 हो गए हैं। 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 660 हो गई है। करीब 50,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई गई है। युवाओं को उनकी शिक्षा, कौशल और अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार मिले, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। देश के अंदर रोजगार कितना बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स के जरिए पता चलता है। मजबूत आर्थिक नीतियों से लाखों रोजगार पैदा हो रहे हैं। देश के अंदर लगातार रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लोगों को स्किल किया जा रहा है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। आज ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 6,93,00,000 हैं। 2017 से अब तक 21 से 28 वर्ष की आयु वाले 4,31,00,000 लोगों को ईपीएफओ में जोड़ा गया है। ये मोदी सरकार में युवाओं के भरोसे को दिखाता है। एक वक्त था जब खेलों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लिया जाता था। खेलों में करियर बनाना लोगों की कल्पना से भी परे था, लेकिन पीएम मोदी की कोशिशों से देश के लोगों की सोच में बदलाव आया। मोदी सरकार ने खेल से जुड़ी ऐसी नीतियां बनाई जिससे युवाओं के लिए इसमें करियर बनाने के रास्ते खुलने लगे। नतीजा ये निकला कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 पदक लेकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैरालंपिक्स में भी भारत के खाते में 19 पदक आए,
मोदी सरकार के टॉप्स प्रोग्राम के माध्यम से खिलाड़ियों को सहयोग दिया जा रहा है। हर तरह के खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है। नए खेल भी अब लोकप्रिय हो रहे हैं। इस सहयोग से न केवल खिलाड़ी भारत का नाम उज्जवल कर रहे हैं, बल्कि अपना भविष्य भी संवार रहे हैं। देश का युवा आज असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता है। जरूरत है कि उसको ऐसे अवसर प्रदान किए जाए। मोदी सरकार अपनी युवा कल्याणकारी नीतियों और दूरदर्शिता के जरिए उनकी क्षमता को पहचान रही है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें अवसर मुहैया करा रही है।